Assalamualaikum. I'm Ryan B. I'm a graphic designer. आज मैं आपको डोमेन सर्च वेबसाइट डिजाइन करके दिखाऊंगा और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देख रहे हैं आप, मैंने बनाया है, ये देख रहे हैं। जब हम यहाँ की तरफ दबाएंगे ये आ जाएगा, फिर हमारे ये आ जाएगा और फिर यहाँ की तरफ, और फिर यहाँ की तरफ से हमारे ये आ जाएगा और फिर ये आएगा, ये आएगा और फिर यहाँ की तरफ से येलो, ये तरफ से जब दबाएंगे ब्लैक आ जाएगा। देखो अपने ये हमारा है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, आपको ये रहता हूँ, थोड़ा सा इसको हमें यहाँ की तरफ कर देना है। अब करने के बाद अब डिलीट, अब ये यहाँ की तरफ से अनलॉक, रेक्टेंगल ले लेना है, आपको पता ही है बैकग्राउंड देना है, तो बैकग्राउंड देने के लिए यहाँ की तरफ, फिर डैश कलर, बस। अब हमें क्या करना है आपको बताता हूँ। अब आपको ये लोगो बनाने, ये लोगो बनाने के लिए आपको एचडी पे नहीं बना सकते आप लोगो। आप ये देखें, जब आप एलिप्स बनाते हैं, आप जब पेन टूल लेंगे ऐसे करके नहीं बनेगा, पेन टूल से भी बहुत बहुत ले आपसे नहीं बनेगा। अब हमें इसके लिए आपको क्या जाना होगा, इलस्ट्रेटर, और इलस्ट्रेटर पे बना कर फिर एक जी भी कैसे ला सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। बस फिर यहाँ की ऑप्शन, बस तो 50x720, बस। अब इस लोगो बनाने के लिए आपको कुछ लेना होगा, एक सिंपल से इलिप्स, तो यहाँ की ऑप्शन बना देना है इलिप्स शिफ्ट दबा के, और फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, डिलीट, राइट क्लिक, ज्वाइन, फिर यहाँ से व्हाइट कलर है हमारा, ठीक है, लेकिन पहले हम दे देते हैं इसको ब्लैक, और फिर यहाँ की तरफ से हमें इसको देख लेते हैं। अब आपको क्या करना है आपको बताता हूँ, अब बहुत ईजी है। अब आपको इसकी भी डुप्लीकेट कर देनी है। अब यहाँ की तरफ से इसको हमने ले आए इधर, अब हमें क्या करना है, इसको बस थोड़ा सा बड़ा कर देना है, और इसका कलर हमें दे देना है थोड़ा सा, इस कलर को हमें, इस कलर को कॉपी करा और फिर यहाँ की तरफ जाके मैंने उस कलर कोड को पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ की तरफ से हमने इसको कर दिया इधर, और फिर करने के बाद थोड़ा सा बस, और फिर यहाँ की तरफ से थोड़ा सा छोटा, बस। अब यहाँ की तरफ से हमने थोड़ा सा ऊपर कर दिया नीचे, बस, और फिर शिफ्ट एफ, और फिर ऑल शिफ्ट दबा के थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा छोटा, फिर यहाँ की तरफ से छोटा करा, और फिर यहाँ की तरफ से कम ले आए, लाने के बाद थोड़ा सा इस तरफ से हमने इसको कर दिया बस इधर, और फिर यहाँ की तरफ, यहाँ की तरफ से, सॉरी, यहाँ की तरफ से हमें इसको दे देना है दिस कलर। इस कलर लेने के लिए आपको पहले इस कलर को मैंने कॉपी करा, और फिर यहाँ की तरफ वो मैंने पेस्ट कर दिया थोड़ा सा इस तरफ, थोड़ा सा यहाँ की तरफ, बस। अब इसको भी मैंने थोड़ा सा नीचे करा, और फिर इसको भी मैंने थोड़ा सा यहाँ की तरफ करा, बस। अब थोड़ा सा यहाँ की तरफ से नीचे कर दिया, थोड़ा सा छोटा, बस यहाँ की तरफ कर दिया, और फिर करने के बाद बस, अब यहाँ की तरफ से मैं इसको व्हाइट कलर, अब इसको हमने सेलेक्ट करा, फिर पेस्ट कर दिया। बस आपको क्या करना होगा इसके लिए, कंट्रोल सी और फिर भी ये हमारा आ जाएगा यहाँ की तरफ, वो भी इजीली। अब ये हमारा लोगो इजीली बन के आ गया है। अब हमें क्या करना है आपको बताता हूँ। अब हमें बस सिंपली थोड़ा सा यहाँ की तरफ, थोड़ा सा नीचे, बस थोड़ा सा ऊपर, बस। अब जो आपसे चीजें एचडी पे नहीं बन रही, आप वो इलस्ट्रेटर पे बना के फिर कॉपी पेस्ट करके यहाँ की तरफ से ला सकते हैं। बस थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा आगे, बस राइट क्लिक, आपको पता है राइट क्लिक लॉक, यहाँ की तरफ आपको क्या लिखना है, ओ कैपिटल में सब कुछ, ओ मेन, ओ मेन। अब हमें क्या करना है आपको बताता हूँ। अब आपको यहाँ की तरफ से इसका फोन दे देना है थोड़ा सा नीचे, यहाँ की तरफ से ये वाला, और फिर बोल्ट पे कर देना है,
क्योंकि बोल्ट हमेशा यूज करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कुछ बना रहे हो तो वो नजर नहीं आते, इसलिए मैं बोल्ट ही यूज करता हूँ बहुत ज्यादा। अब हमें क्या करना है, इलिप्स टूल लेना है यहाँ की तरफ से, थोड़ा सा इलिप्स शेड हमें ये बना देना है, ये ग्रीन बस थोड़ा सा छोटा बस। अब यह मिलाना है अबाउट सॉल्यूशन पोर्टफोलियो, यहाँ की तरफ हमें लिख देना है, यहाँ की तरफ हमें लिख देना है अबाउट अस सर्विसेस, और यहाँ की तरफ से पोर्टफोलियो द नंबर वर्क। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा जूम यहाँ की तरफ, यहाँ की तरफ थोड़ा सा, यहाँ की तरफ थोड़ा सा, यहाँ की तरफ बस। अब यहाँ की तरफ करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको भी रहता हूँ थोड़ा सा यहाँ की तरफ, जिनको आपको जरूरत नहीं उनको, जैसे कि मैंने रेगुलर कर दिया, अभी मुझे इनकी जरूरत नहीं थी मैंने रेगुलर कर दिया। अब यहाँ की तरफ दिस पार्ट, अब इस पार्ट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करने का, बहुत इजी है इस पार्ट को तो बनाना बस। अब यहाँ की तरफ जो ले आए, अब ये मैंने पेश नहीं करे, मैं आपको बनाना बताऊंगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा इजीली, यहाँ की तरफ आपको लिख देना है, सॉरी यहाँ की तरफ नहीं, यहाँ की तरफ ई और एन, एन और फिर यहाँ की तरफ से हमें अब क्या करना है, अब यहाँ की तरफ से इसका भी फॉन्ट डैश, लेकिन इसको हमें बोल्ड पे रखना है, और फिर यहाँ की तरफ से तो हमें दे देना है सबसे पहले ऑल दबा के डुप्लीकेट, लॉग इन लॉग इन बस। अब लॉग इन बनने के बाद थोड़े से यहाँ की तरफ पेन टूल, पेन टूल लेने के बाद यहाँ की तरफ, अब यहाँ की तरफ, अब हमें क्या करना है आपको बताता हूँ, अब थोड़ा सा इस तरफ, थोड़ा सा यहाँ की तरफ ग्रीन कलर, और फिर यहाँ की तरफ से बॉर्डर हमें दे देना है दिस, और फिर फाइव, और फिर यहाँ की तरफ से फोर, और फिर यहाँ की तरफ से थ्री, यहाँ की तरफ से टू, और फिर यहाँ की तरफ से बस, थोड़ा सा आगे बस लॉग इन, ठीक है बस। अब यहाँ की तरफ से हमें क्या करना है आपको बताता हूँ, बस आपको लेना होगा एक इलिप्स, सॉरी नो रेक्टेंगल, यहाँ की तरफ से इसको हमें घुमा देना है। अब घुमाने के बाद एट है, यहाँ की तरफ 18 है हमारा, तो एट कर देते हैं यहाँ की तरफ भी। अब एट करने के बाद थोड़ा सा बस छोटा बस यहाँ की तरफ से बॉर्डर दिस, बस थोड़ा सा यहाँ की तरफ कर दिया मैंने बस। अब हमें क्या करना है आपको बताता हूँ, अब हमें ऑल दबा के इसकी डुप्लीकेट कर देनी है, बॉर्डर दे देना है इसका हमें व्हाइट, व्हाइट देने के बाद फाइव, फाइव हमारा ठीक है, इसकी हमें आउटलाइन देनी है नहीं फाइव, और वेट थोड़ा सा आगे बस। इसका हमें अब क्या करना है, यहाँ की तो आपको लिख देना है बस इजी सा शाइन अप, शाइन अप लिखने के बाद थोड़ा सा जूम बस भी, फिर यहाँ की तरफ से ब्लैक कलर, ब्लैक कलर करने के बाद थोड़ा सा आगे तरफ थोड़ा सा ऊपर, इसको भी हमें बोल्ड पे ही रखना है, और फिर थोड़ा सा छोटा बस बस। अब हमें क्या करना है आपको बताता हूँ, अब ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया, अब हमें क्या करना है इनको डिलीट यहाँ की तरफ से, इधर जो हमें बस इजीली लिख देना है इधर, लेकिन अब हमें क्या करना है इसको सिलेक्ट थोड़ा सा आगे बस, ये आगे नहीं है तो हम आगे कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ की तरफ बस, बस। अब हमें क्या करना है आपको बताता हूँ, सिलेक्ट थोड़ा सा यहाँ की तरफ बस 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 बस। अब यहाँ की तरफ हमें लिख देना है वेरी इंपॉर्टेंट चीज, एवरी बिजनेस स्टार्ट्स विथ अ डॉमेन, आई हमें नहीं लिखना है क्योंकि अभी हमारा आई ऐसा बस। अब हमें क्या करना है आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा कर दिया, थोड़ा सा यहाँ की तरफ बस, और यहाँ की तरफ से बस। अब आप सोचेंगे मैंने आई को नहीं लिखा,
आपको बता दूं मैंने आई क्यों नहीं लिखा है। अब यहाँ ही सबसे पहले हमने इसका व्हाइट कलर दे दिया और ये फॉन्ट हम दे देते हैं इसको लेकिन पॉपिंस थोड़ा अच्छा नहीं है तो यहाँ की रख से वही दे देते हैं। यहाँ की रख से ठीक है हमारा चगाई दे देते हैं थोड़ा सा पर बस यहाँ की रख से थोड़ा सा नीचे और यहाँ की रख से हमारा आएगा भी थोड़ा सा पर थोड़ा सा और ऊपर दिस बस यहाँ की रख से बोल्ड बस। अब बोल्ट करने की बात अब आप क्यों क्या करना है आपको भी रहता हूँ थोड़ा सा जूम बस अनजूम बस थोड़ा सा इसको मैंने छोटा कर दिया यहाँ की जो मैंने इसको रख दिया थोड़ा सा बड़ा बस। अब आपको बताता हूँ मैंने आई नहीं लिखा क्योंकि अभी सबसे पहले और छोटा ये बहुत बड़ा हो गया तो यहाँ की जो मैंने इसको रख दिया। अब यहाँ की सबसे हमने अब आई आई रखना है क्योंकि अब हमें इसको स्पेस दे देना है बस एक स्पेस। अब यहाँ की तरफ से आपको क्या करना होगा आपको बताता हूँ यहाँ की तरफ से आपको लेना होगा एक रेक्टेंगल इधर आपको बना देना एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनाने की बात अब आपको क्या करना है आपको बताता हूँ सिंपली सा बस ग्रीन कलर। ग्रीन कलर करने के बाद थोड़ा सा बस बॉर्डर हटा दिया बस। अब यहाँ की तरफ से हमने इसको कंट्रोल जेड करके थोड़ा सा बस थोड़ा सा यहाँ की तरफ बस। अब करने के बाद यहाँ की तरफ से हमें इसको कर देना है ऑल दबा के डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद फिर आई आप यहाँ की तरफ से क्या दे देना है वाइट। अब हमें क्या करना है आपको बताता हूँ अब हमें इसको सिलेक्ट थोड़ा सा यहाँ की तरफ थोड़ा सा यहाँ की तरफ कर दिया थोड़ा सा यहाँ की तरफ कर दिया बस। अब हमें क्या करना है इनको हमें सेलेक्ट कर देते इसको इनको मैंने सेलेक्ट करा इनको और फिर आई डबल टूल लेके इनका कलर मैंने दे दिया दिस नो सॉरी इसको बस नहीं इसको इन सबको देना है हमें अलग कलर दे देते हैं दिस और फिर एन को भी हमें यही कलर देना है बस। देने के बाद सॉरी एन ओनली बस एन ये एन को सिलेक्ट करा सॉरी रफ से इनको सिलेक्ट करा आई डबल टूल और बस। अब हमें क्या करना है आपको बताता हूँ अब हमें क्या करना है यहाँ पे ये बनाने। अब ये बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा बस इजीली से हमें इसको थोड़ा सा आगे रफ से थोड़ा सा आगे बस इधर हमें लिख देना है जैसे कि मैं लिखता हूँ डोमेन नेम बस थोड़ा सा आंखी तरफ थोड़ा सा छोटा बस। अब हमें क्या करना है आपको बताता हूँ अब हमें क्या करना है अब हमें इसको बस थोड़ा सा छोटा बस और आंखी तरफ रख देना है इनको। अब हमारा इनको मैंने सेलेक्ट करा इन सब को बस इनको सेलेक्ट करा मैंने और फिर सेलेक्ट करने के बाद इनको सेलेक्ट कर दिया इसको भी और इसको भी सब मैंने सेलेक्ट कर दिया सॉरी इसको और फिर की तरफ से इनको मैं सेलेक्ट कर देना है इसको और इनको सेलेक्ट अब शिफ्ट दबा के इसको भी बस। अब तो करने के बाद कंट्रोल जेड बस। अब हमें क्या करना है आपको बताता हूँ इसको हमने थोड़ा सा छोटा बस थोड़ा छोटा कर दिया बस थोड़ा सा और आंखी तरफ कर दिया थोड़ा सा और आंखी तरफ बस थोड़ा सा पीछे बस आंखी तरफ से सेलेक्ट कर इनको थोड़ा सा आगे कर दिया थोड़ा सा इनको भी आगे बस। और फिर यहाँ की तरफ से हमने ले लिया रेक्टेंगल टूल यहाँ की तरफ से हमें तो बना देना एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनाने के बाद अब आपको क्या करना है आपको भी बताता हूँ यहाँ की तरफ से हमें इसको घुमा देना है 17 पर 17 बस
17 पर घुमाने के बाद थोड़ा सा आगे की तरफ, थोड़ा सा आगे की तरफ, बस अब 17 है हमारे, ये भी यहाँ की तरफ से 17 कर दिया है। करने के बाद अब आपको क्या करना है आपको बताता हूँ। अब थोड़ा सा इसको मैंने इस तरफ कर दिया, थोड़ा सा यहाँ की तरफ, थोड़ा सा यहाँ दिया, बस थोड़ा सा यहाँ की तरफ कर दिया, बस अब हमें इनको सिलेक्ट करके सबको ऊपर, फिर यहाँ की तरफ से ऊपर, बस थोड़ा सा यहाँ की तरफ, थोड़ा सा यहाँ की तरफ, थोड़ा सा यहाँ की तरफ, बस। और फिर यहाँ की तरफ से हमने इसको क्या करना है आपको बताता हूँ थोड़ा सा। और फिर यहाँ की तरफ से इसकी मैंने डुप्लीकेट करी, डुप्लीकेट करने के बाद थोड़ा सा इस तरफ, थोड़ा सा आगे, बस। और फिर यहाँ की तरफ से हमने थोड़ा सा और आगे कर दिया, बस। और फिर और दबा के मैंने इसकी डुप्लीकेट कर दी एक और। और फिर करने के बाद फिर थोड़ा सा यहाँ की तरफ, बस। अब क्या करना है आपको बताता हूँ, थोड़ा सा सिलेक्ट, और फिर थोड़ा सा इधर, बस। अब हमें क्या करना है आपको बताता हूँ। अब हमें यहाँ की तरफ से सर्च बार बनाना है, और वो सर्च बार बनाने के लिए बस आपको इजीली से क्या करना होगा, थोड़ा सा स्ट्रफ कर दिया मैंने, बस। अब सर्च बार बनाने के लिए आपको बस लेना होगा एक रेक्टेंगल, इधर बना देना है एक रेक्टेंगल, फिर भी। और फिर यहाँ की तरफ से हमें इसको बस सिलेक्ट कर देना है, और फिर 17 फिर जगह कलर कोड कॉपी, यहाँ की तरफ से पहले कलर कोड हमें पेस्ट, और फिर यहाँ की तरफ से 17 थोड़ा सा यहाँ की तरफ, थोड़ा सा यहाँ की तरफ, बस। और फिर यहाँ की तरफ से थोड़ा सा और यहाँ की तरफ, बस। और फिर करने के बाद हमने ले लिया एलिप्स टूल, इधर हमें बना देना है एलिप्स, फिर यहाँ की तरफ से फिर हटा दिया हमने बॉर्डर आ दिया, और फिर व्हाइट कलर, और फिर यहाँ की तरफ से 5, और फिर यहाँ की तरफ से यहाँ की तरफ, और फिर यहाँ की तरफ कर दिया थोड़ा, और फिर यहाँ की तरफ से मैंने इनको थोड़ा सा स्ट्रोक कर दिया, थोड़ा सा यहाँ की तरफ व्हाइट कलर, इधर भी हम कर देते हैं 5। 5 करने के बाद इस तरह से इसको हमने लॉक करा, राइट क्लिक लॉक, बस थोड़ा सा स्ट्रोक, थोड़ा सा नीचे यहाँ की तरफ, यहाँ की तरफ, बस। अब हमें क्या करना है आपको बताता हूँ। अब हमें इनको सिलेक्ट कर देना है थोड़ा सा और आगे, सॉरी कंट्रोल जेड, तो शिफ्ट जेड, सिलेक्ट, राइट क्लिक, अनलॉक, सिलेक्ट, थोड़ा सा और आगे, बस थोड़ा सा, थोड़ा सा, बस। अब हमें क्या करना है आपको बताता हूँ, इनको भी सिलेक्ट कर देना है हमें थोड़ा सा यहाँ की तरफ, कर दिया, बस। अब हमें क्या करना है आपको बताता हूँ। अब हमें यहाँ की तरफ से इसको भी सिलेक्ट ऊपर कर दिया, बस थोड़ा सा सेलेक्ट करके हमें इसको सेलेक्ट करके ग्रुप कर देना है थोड़ा सा यहाँ की तरफ से, इस तरफ, इस तरफ, बस। अब हमें क्या करना है आपको बताता हूँ। अब हमें यहाँ की तरफ से अब क्या करना होगा, अब हमें यहाँ की तरफ से इनको हमें कॉपी कर लेना है, अब यहाँ मैंने इनको पेस्ट कर दिया, बस। अब ये बनाने के लिए आपको बस, आपको पता ही है यहाँ की तरफ बस हमें लिखना है, जैसे कि इधर मैंने लिख दिया ये क्यू, जैसे कि ट्यू हो गया हमारा मतलब ट्यूजडे, और यहाँ की तरफ से वी मतलब वेनसडे, आपको पता है वे। अब फिर यहाँ की तरफ से एंटर, अभी आपको पता है थर्सडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, और यहाँ की तरफ से ये तो बनाना बहुत ईजी है, बस यहाँ की तरफ से हमें इसको ऐसा कर देना है, इनको हमें सेलेक्ट करके ऐसा कर देना है, बस। अब ये बनाने के लिए आपको बस सिंपली लेना होगा एलिप्स, यहाँ की तरफ से एलिप्स, थोड़ा सा आगे तरफ, थोड़ा सा बड़ा, बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा, बस थोड़ा सा आगे तरफ, थोड़ा सा आगे तरफ, बस। रेड कलर, बस रेड कलर देने के बाद यहाँ की तरफ हमें लिख देना है कलर, और फिर यहाँ की तरफ से हमें थोड़ा सा स्टक, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा स्टक, थोड़ा सा ऊपर, यहाँ, बस। अब इसको हमें थोड़ा ऐसे बस कर देना है, और फिर यहाँ की तरफ से डिलीट कर देना है इसको, ये बस। अब हमें क्या करना है आपको बताता हूँ। अब हमारे ये भी पार्ट हो गए, इस पार्ट को हमने कर दिया डिलीट, इस पूरे पार्ट को, और फिर डिलीट करने के बाद इतना हमारा बन चुका है, ये देख रहे हैं आप, हमारे इजीली इतना तो बन चुका है,
देश देख रहे हमारा इतना इजी बन चुका है, लेकिन हमने आगे तक से ये लिखा नहीं, हम भूल गए थे। अब हमें इनको सिलेक्ट कर देना है, इन सब को मैंने सिलेक्ट करा, कॉपी करा और फिर आगे तक पेस्ट कर दिया। बस अब थोड़ा सा इस तरफ से आगे, बस अब ये लिखने के लिए आपको बस लिखने ना है, जैसे कि मैंने लिख दिया टाइप टाइप योर परफेक्ट डोमेन। बस अब यहाँ से जब लिखने के बाद डिलीट थोड़ा सा ऊपर, बस अब करने के बाद अब थोड़ा सा स्ट्रक थोड़ा सा यहाँ की जब, बस अब इसको थोड़ा सा यहाँ की जब कर दिया थोड़ा सा ऊपर, बस अब हमें यहाँ की तरफ से डिश लिख देना है, ये लिख देना है। ये लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, बस आपको दबा देना है, बस आपको क्या करना है, सिर्फ फूल दबा देना है, स्पेस इधर आपको लिख देना है 10 डिश क्वेश्चन मार्क स्पेस डे क्वेश्चन मार्क 235। बस डिलीट इट, यहाँ की तरफ को भी मैंने रख दिया। बस अब रखने के बाद इसको हमें सेंटर में रख देना है, बस अब ये बनाने आपको पता ऑल डम लिख देना है ऑल टाइप्स आप डिलीट यहाँ की तरफ से ये ले आना है। ये कैसे लाते हैं आपको बताता, लेना है पेन टूल यहाँ की तरफ से थोड़ा सा ऐसे और फिर ऐसे और फिर यहाँ की तरफ ब्लैक कलर फिर 5 2 3 4 यहाँ की तरफ से यहाँ की और फिर यहाँ की तरफ से इसको थोड़ा सा इस तरफ और फिर यहाँ की तरफ रख दिया और फिर थोड़ा सा ऊपर राइट क्लिक लॉक सिलेक्ट करा थोड़ा सा यहाँ की तरफ से इधर रख दिया। बस अब हमें क्या करना है आपको बताता हूँ, सिलेक्ट थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा यहाँ की तरफ कर दिया, बस थोड़ा सा यहाँ की तरफ थोड़ा सा ऊपर, बस अब फिर यहाँ की तरफ से हमें क्या करना है और दबा के डुप्लीकेट कर देनी है। डुप्लीकेट करने के बाद इन कलर बॉक्स को मैंने कॉपी करा और यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये कलर बॉक्स तो आपको पता ही है, बस इसके डुप्लीकेट करते रहे और आप कलर बदलते रहेंगे। अब हमें क्या करना है आपको बताता हूँ, अब यहाँ की तरफ से हमें और दबा के डुप्लीकेट कर देनी है और जैसे ही दबाएंगे पहले हमें इधर से ले लेना है इस सर्कल को सिलेक्ट, यहाँ की तरफ ट्रांजिशन पे ओवरले पे कर देंगे, इजी इन आउट पे कर देंगे, 0.6 पे कर देंगे और फिर सॉरी अब इसको हमें कहाँ पे ले जाना है, लेफ्ट राइट अप चेयर डाउन चेयर राइट चेयर के लेफ्ट चेयर हमें चाहिए लेफ्ट चेयर। अब यहाँ की तरफ से जब हम जाएंगे क्लिक करेंगे ये हमारा ये आ जाएगा ये वो भी इजीली। अब जब क्लिक यहाँ की तरफ से ये देख रहे हैं आप ये आ गया हमारे यहाँ की तरफ से ऐसे ये देखा आपने। और जब आपको हल्का चाहिए तो 0.6 करें, तेज चाहिए सॉरी यहाँ की तरफ से तेज आते हैं, लेकिन अभी मुझे 3.6 पे करना है तो ये ज्यादा मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये देख रहे हैं इफेक्ट बहुत अच्छा आ रहा है मेरा। अब बस अब हमें क्या करना है आपको बताता हूँ, अब इसको सिलेक्ट कर देना है राइट क्लिक अनलॉक, अब इसको अनलॉक रखना है क्योंकि अब हमें तो कलर देने। अब सिलेक्ट पिंक कलर डिश कलर, बस और फिर सिलेक्ट प्रोबी टाइप मिला दिया यहाँ की तरफ से ओवरले लेफ्ट चाय ठीक है यहाँ की तरफ से डिश कलर और ये देखा आपने ये हमारा आ गया। और जब हम यहाँ की तरफ फिर दबाएंगे ये हमारा आ जाएगा और जब हम यहाँ की तरफ फिर दबाएंगे यहाँ की तरफ से इधर से भी हमें अब क्या करना है इधर फिर हमें यहाँ की तरफ जाना होगा और बस ठीक है हमारा। और यहाँ जब हम दबाएं यहाँ की तरफ से भी आ सकते हैं। बस अब हमें क्या करना है इन कलर को डिलीट सिलेक्ट सिलेक्ट सिलेक्ट, अब बचे तीन कलर। अब इन तीन कलर का क्या करना है आपको बताता हूँ थोड़ा सा आगे। बस अब हमें हमारा पिंक कलर भी हो गया कॉपी टाइप से पिंक कलर, अब हमें क्या करना है पिंक कलर होने के बाद यहाँ की तरफ से हमें करना है अब ग्रीन कलर। ग्रीन कलर करने के लिए आपको बस लेना होगा ग्रीन और फिर प्रॉपी टाइप बस इसके अंदर लगा दे ये सोल दे। बस अब
यहाँ की तरफ से इसका हमें ग्रीन हो गया हमारा, और फिर यहाँ की तरफ से इसका भी हमें यहाँ की तरफ से कर देना है। बस अब हमें क्या करना है आपको बताता हूँ। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा जूम, बस अब जूम करने के बाद इसको सिलेक्ट, इधर से हमें इसको दे देना है ग्रीन कलर, सॉरी इधर नहीं देना है हमें ग्रीन कलर, और फिर की तरफ से सिलेक्ट, इधर से इसका हमने जो करा है ठीक है, बस अब यहाँ की तरफ से, फिर यहाँ की तरफ से गया, फिर यहाँ की तरफ से ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर भी हमारा हो गया है। इधर से हम दे देते हैं इसको ब्लैक। अब ये दो कलर बचे हमारे, अब ये दो कलर बचने के बाद थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा आगे, बस अब और दबा के इसके हमने डुप्लीकेट कर दी। फिर से डुप्लीकेट करने के बाद अब आपको क्या करना है आपको बताता हूँ। तो कॉपी टाइप, फिर यहाँ की तरफ से हमें इसको कर देना है यहाँ की तरफ, करने के बाद ओवरले लेफ्ट पर, बस ये ग्रीन पर है ठीक है हमारा इतना, बस बस इसको भी हमारा ये भी हो गया। अब यहाँ की तरफ से इधर से हमने गया इधर, यहाँ की तरफ आई डबल टू दिस कलर, यहाँ की तरफ से वाइट कलर, बस और फिर इसको भी हमने डिलीट कलर, भी हमारा आखिरी कलर बचा है, और फिर डिलीट, बस अब ये आखिरी कलर बचा है, अब इसको भी हम कर देते हैं जैसे हमने मिला है, बस अब इस आखिरी कलर को भी कर देते हैं यहाँ की तरफ से इधर, और फिर यहाँ की तरफ से प्रॉपी टाइप से इधर, और फिर तब से इसको डिलीट, यहाँ की तरफ आई ड्रॉपर टूल, थोड़ा सा इसको इस तरफ, बस ब्लैक कलर, बस और फिर यहाँ की तरफ से क्रॉपी टाइप, और फिर यहाँ की तरफ से थोड़ा सा इस तरफ, थोड़ा सा यहाँ की तरफ, बस अब आपको दिखाता हूँ यहाँ की तरफ, देखें यहाँ की तरफ से हमारी ये आया स्लोमो में, और फिर यहाँ की तरफ से पिंक आया हमारा, ये हमारा पिंक आया ये देखा आपने, और फिर यहाँ की तरफ से हमारा ये आया ग्रीन, ये हमारा गया पिंक, और यहाँ की तरफ से हमारा आ गया ग्रीन, और यहाँ की तरफ से हम जब लेंगे दिस कलर ऑरेंज, ये हमारा आ जाएगा ऑरेंज, और जब हम दबाएंगे इसको यहाँ की तरफ से हमारा आ जाएगा येलो, और जब हम इसको दबाएंगे हमारा आ जाएगा ब्लैक। अब ये देख अपने यहाँ बन चुका है हाउ टू डिजाइन अ डोमेन सर्च वेबसाइट, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जब तक लिए मेरी तरफ से आप सबको गुड।